नगर में एक प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज कराने आई एक युवती के साथ नर्सिंग होम के कर्मचारी द्वारा छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। छेड़खानी की घटना नर्सिंग होम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला दो समुदाय से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने पीड़ित युवती की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। क्या है पूरा मामला आपको इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द वोकल न्यूज और मैं हूँ आपके साथ प्रेरणा सागर। यह घटना उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में थाना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र की है, जहां एक प्रतिष्ठित डॉक्टर डीबी गौतम के नर्सिंग होम में एक मरीज के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है, जिसमें थाना चरतावल क्षेत्र निवासी 22 वर्षीय युवती को बुखार के चलते भर्ती कराया गया था, जिसमें पीड़ित के पिता ने थाना नई मंडी कोतवाली में तहरीर देते हुए आरोप लगाया है कि उसकी बेटी के साथ नर्सिंग होम में काम करने वाला कंपाउंड शोएब ने रात में छेड़खानी की। यही नहीं, उसकी बेटी के साथ साथ एक अन्य बच्ची के साथ भी छेड़खानी की गई। सुबह होने के बाद जब डॉक्टर नर्सिंग होम में आए तो पीड़िता के पिता ने पूरा घटनाक्रम डॉक्टर डीबी गौतम के सामने बताया, जिसके बाद नर्सिंग होम में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए तो सबके होश उड़ गए, जिसमें देखा गया कि आरोपी युवक शोएब कपड़ा ओढ़े हुए है और एक के बाद एक मरीज के साथ छेड़खानी करता नजर आ रहा है। जिसके बाद थाना नई मंडी कोतवाली पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। वहीं डॉक्टर डीबी गौतम ने छेड़छाड़ के आरोपी शोएब को अस्पताल से हटा दिया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए द वोकल न्यूज़।